नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी है। ये सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होनी है। इस बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब भी देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। दरअसल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में काफी निवेश किया हुआ है, अब ऐसे में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने जा रहा है तो भारत सरकार की क्या कुछ रणनीति आगे होने वाली है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए ही ऑल पार्टी मीटिंग अब बुलाई जा रही है। तो अफगानिस्तान से निकाले गए भारत के 146 भारतीय नागरिक कतर की तरफ राजधानी से 4 अलग अलग विमानों के जरिए सोमवार को भारत पहुंच गए। इन नागरिकों को अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी के नाटो के विमान के जरिए पिछले कुछ दिनों में काबुल से दोहा लाया गया था। और भारत ने अमेरिका, कतर, कजाकिस्तान और साथ ही तजाकिस्तान और साथ ही कई अन्य मित्र देशों के साथ समन्वय स्थापित करके अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकाले जाने का अभियान भी चलाया था। अफगान राजधानी से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अपने प्रयासों के तहत भारत अब तक अपनी 4 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 400 भी से भी ज़्यादा लोगों को देश वापस ला चुका है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान के मुद्दों पर इस ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा होगी। दरअसल लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार जब इतना निवेश अफगानिस्तान में भारत की तरफ से किया गया है तो आखिरकार अब क्या फैसला होगा, किस तरफ अब भारत का स्टैंड रहेगा, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी। इसी के साथ साथ जो विपक्ष है, जो तमाम नेता है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और जो सरकार है वो सारे विपक्षों के जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। तो जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है तो ऐसे में विपक्ष का ये सवाल उठ रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो इस तरह के सवाल उठा रहा है कि अब आगे जो है वो सरकार का क्या कदम होने वाला है, क्या कुछ निर्णय या फिर स्टैंड कहें कि सरकार लेने वाली है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि भारत तो नाटो की तरफ से जो मीटिंग की गई थी उसके बाद ये फैसला, क्योंकि विपक्ष अब लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा था कि आखिरकार सरकार का क्या कुछ स्टैंड होगा अफगानिस्तान में हुए तालिबानी कब्जे के बाद, क्योंकि भारत ने काफ़ी अच्छा खासा निवेश वहां पर किया हुआ है। तो ऐसे में भारत का स्टैंड, भारत का रुख किस तरफ होगा, अब क्या कुछ फैसले भारत अपने वासियों के लिए लेगा, अपने देश के लिए लेगा। और साथ ही वहां पर जो लोग थे उनको तो खैर वापस ले आया गया, लेकिन अब आगे जो संबंध हैं, जो अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध रहे हैं पिछले कई सालों से, अब उन पर क्या कुछ स्टैंड सरकार लेगी, ये देश लेगा। तो ये विपक्ष के सवालों के जवाब अब सरकार देने वाली है ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए, जिसमें तमाम विपक्षी दल और नेता इस सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे और इसमें मौजूद होंगे और आपसी सवाल जवाब के जरिए ये फैसला निकाला जाएगा कि आखिरकार होगा क्या, अब आगे भारत की क्या कुछ रणनीति होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका समेत इस नाटो की मीटिंग में कई विपक्ष जो देश हैं, जो मित्र देश हैं वो भी शामिल हुए, लेकिन बड़ा सवाल क्योंकि अचानक इस तालिबान की जो अफगानिस्तान में जो तालिबान ने अचानक से ये जो कब्जा किया है इसके बाद सारे जो देश हैं, जो मित्र देश हैं आसपास के, वो सब भय का माहौल उनमें भरा हुआ है, उनमें डर का माहौल है कि आखिरकार उनके जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। हालांकि कई देश अपने विमानों के जरिए वहाँ पर फंसे लोगों को वापस अपने देश, अपने वतन लौटा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं उनको क्या आगे बढ़ाया जाए ये निर्णय लेना होगा।
तो सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का फैसला लिया गया है, जहां पर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब अब मोदी सरकार देगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार अब स्टैंड क्या होगा, भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ अब फैसले भारत लेगा, निर्णय फैसले लेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में निवेश करता आ रहा है भारत, वहाँ का विकास कार्यों में पूरा भारत का योगदान है, चाहे वो लोगों के प्रति हो या फिर अफगानिस्तान पूरी वहाँ पर उस देश के विकास कार्य की बात हो, तो वहाँ पर भारी निवेश भारत के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अब आगे का स्टैंड क्या होगा, अब संबंधों को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे भारत की तरफ से। अफगानिस्तान में खनिज संपदा का भंडार, तो चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों पर है, तो अब हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि इस वक्त तालिबान तो अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब आतंकी संगठन तालिबान के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इस वक्त तालिबान के कब्जे में $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 74,42,000 करोड़ रुपए के खनिज हैं। अफगानिस्तान में अब तक इन खनिजों का खनन नहीं किया गया है। देश में लगातार होती रही लड़ाइयों और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद आज तक अफगानिस्तान में खनिजों के खनन का काम शुरू नहीं हुआ है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान अब तक गरीब देश बना हुआ था। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में बॉक्साइट, कॉपर, आयरन और लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। कॉपर की कीमत $10,000 यानी कि करीब 7,43,000 रुपए है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो अब भंडार मिला है खनिज, यानी कि आप कह लीजिए कि अफगानिस्तान में बॉक्साइट है, कॉपर है, आयरन है और लिथियम का जो भंडार है बहुत बड़ा, अब इस पर नजरें बनी हुई हैं। जी, जब अब तालिबान ने इस पर कब्जा किया है तो जाहिर सी बात है कि उनके खनिज संपदा पर भी उनका कब्जा होगा, लेकिन अभी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनको उस चीज को निकालने के लिए भी दूसरी बड़ी मशीनों की और बड़े संसाधन की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से अभी इतना आसान नहीं होगा कि वहां से वो लोग तुरंत पैसे बना लें, और जब स्थिति इस तरह से है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो वो उस संपदा को बेचने में भी उनको दिक्कत होगी, वो लोग उसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे ये भी एक बड़ी बात होगी। देखिए, जो अफगानिस्तान में ये जो तमाम जैसे कॉपर की कीमत है वो $10,000 यानी के करीब 7 लाख से भी ऊपर की बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अफगानिस्तान में विकास कार्यों पर इतनी मतलब रोक क्यों लगी हुई थी, विकास कार्य हुए क्यों नहीं जब इतना सारा खनिज सामान जो यहाँ पर मिला है, तो क्या माना जाए कि कहाँ पर ये मतलब विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहा था अफगानिस्तान में? देखिए, जब गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। वहां पर बड़े लंबे समय से इस तरह के झगड़े होते रहे, काफी ऐसी जनजातियां हैं जो बड़ी उग्र हैं जिनके पास में हथियार भी पहुंचाए जाते रहे, तो वो आपस में ही इतना ज्यादा लड़ते रहे कि वो इस तरह से विकास की कोई बात ही नहीं वहां पर रखते। अभी भी शिक्षा है और काफी चीजों पर उनका इतना ध्यान नहीं रहता है, वो ज्यादातर लड़ाके हैं और वो उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको उनके ऊपर उनको हथियार के एक बाजार के रूप में देखा जाता है।
तो यही कारण रहा कि उन चीजों पर उनका ध्यान नहीं गया और विकास की तरफ उनकी बात नहीं हो पाई। अब जैसे कि ये सामने आ रही है खबरें कि अब चीन की नजर जो है वो अफगानिस्तान के खनिज खजाने पर उसको पाने के लिए पड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आखिरकार चीन अब क्या आगे कदम उठा सकता है? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि इतना आसान नहीं होगा चीन के या किसी भी एक देश के लिए अफगानिस्तान से दोस्ती करके वहां पर उसका लाभ उठाया जा सके, क्योंकि रशिया और यूएस जब इतने दिन से वहां पर इन लोगों का समर्थन कर रहे थे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अगर चीन सिर्फ अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने अलग थलग होने की स्थिति में आ जाएगा, ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। तो ये आसान नहीं होगा। चाइना और पाकिस्तान दो ही एक ऐसे देश है जो तालिबान को सपोर्ट करने की स्थिति में दिख रहे हैं, अन्यथा पूरा कम्युनिटी, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसने बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। और जैसा अभी आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो उस तरह से भी भारत भी काफी इस बात को लेकर संजीदा है। ठीक, जनार्दन मिश्रा जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अफगानिस्तान संकट के बीच भारत समेत दुनिया की नजर तालिबान के अब्दुल गनी बरादर और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के रिश्तों पर बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के मददगार हैं और दोनों ही देवबंदी भी हैं। मसूद अजहर की रिहाई में बरादर और बरादर की फरारी में मसूद का हाथ रहा है। मसूद अजहर बरादर का आतंकी बिरादर है और मसूद अजहर की रिहाई के लिए भारतीय जहाज IEC 814 की हाईजैक को किया गया था और जिसमें बरादर का ही हाथ माना जाता रहा है। इन दोनों का जन्म 1967 में हुआ था और साल 2009 के बाद बरादर को अमेरिकी एजेंसियों के डर से फरार होना पड़ा था। इस दौरान मसूद अजहर ने उसे पाकिस्तान में शरण दिलाई थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि आतंकी हमलों में IED धमाकों को बढ़ाने में भी बरादर का ही दिमाग था। मसूद अजहर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए बरादर के मजबूत होने से मसूद को भी ताकत मिलेगी। कश्मीर में तालिबान के खतरे पर हाल ही में कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ये कह चुके हैं कि हम सभी के चुनौतियों से पेशेवर तरीके से निपटेंगे और हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, सतर्क हैं। अब हम आपको बताते हैं उस अधिकारी के बारे में जिसे आज भी मसूद अजहर को छोड़े जाने का मलाल है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद की। उन्हें आतंकी अजहर मसूद को कंधार कांड के दौरान छोड़े जाने का मलाल है। वे उस समय जम्मू के DIG थे और साथ ही आपको बता दें कि अजहर मसूद कोट भलवाल सेंट्रल जेल में भी बंद था। उसे लेने के लिए दिल्ली के स्पेशल प्लेन टेक्निकल एयरपोर्ट आ चुका था। उसे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। उस समय उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। डॉक्टर वैद के बारे में बात की जाए तो उन्होंने पुलिस विभाग में 34 साल से भी ज़्यादा समय तक अलग अलग पदों पर काम किया। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमिटी VDC और कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की थी। आतंकियों की तरफ से उन पर 4 बार हमला भी किया जा चुका है। और इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनार्दन जी, आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि मसूद अजहर को छोड़े जाने का मलाल अब तक दिल में बैठा हुआ है, क्यों? तो मसूद अजहर को छोड़े जाने का जो मलाल है वो अब भी डॉक्टर वैद में जो है उनके मन में बैठा हुआ है। और उनको, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने पुलिस विभाग में 34 साल से भी ज़्यादा समय तक अपना वक्त बिताया है। अपनी सर्विस उन्होंने अलग अलग पदों पर काम करके दी है। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी DVC और कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की थी। आतंकियों की तरफ से उन पर 4 बार हमला भी किया गया था।
तो अब्दुल गनी बरादर और मसूद अजहर का रिश्ता क्या है और आखिरकार मसूद अजहर को छुड़ाए जाने का मलाल अब तक दिल में क्यों है? तो वो उस वक्त जम्मू के डीआईजी थे और अजहर मसूद कोट भलवाल सेंट्रल जेल में बंद था। उसे लेने के लिए दिल्ली से स्पेशल प्लेन टेक्निकल एयरपोर्ट आ चुका था। उसे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर या फिर यूं कहें कि ना चाहते हुए भी उसे एयरपोर्ट तक पहुँचाया था। डॉक्टर वैद के बारे में बात की जाए तो उन्होंने पुलिस विभाग में 34 साल से भी ज़्यादा वक्त तक अपना समय दिया है, वहाँ पर अलग अलग पदों पर काम किया है। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी डीवीसी और कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत भी की है। तो आतंकियों की तरफ से उन पर 4 बार हमला भी किया जा चुका है। तो अब्दुल गनी बरादर और मसूद अजहर का रिश्ता क्या है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। जम्मू के डीआईजी भी थे और अजहर मसूद कोट भलवाल सेंट्रल जेल में बंद था। उसे लेने के लिए दिल्ली से स्पेशल प्लेन टेक्निकल एयरपोर्ट आ चुका था। तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मसूद अजहर को पकड़ने के लिए दिल पर पत्थर रखकर या फिर ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट पहुँचना पड़ा था डॉक्टर वैद को। तो वहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और उस समय उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे एयरपोर्ट तक पहुँचाया था। और डॉक्टर वैद के बारे में आगे बात करें तो उन्होंने पुलिस विभाग में 34 साल से भी ज्यादा का वक्त दिया है, अलग अलग पदों पर काम किया है। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी डीवीसी वीडीसी और कम्युनिटी पुलिसिंग की शुरुआत की है। और आपको यह भी बता दें कि आतंकियों द्वारा उन पर 4 बार हमला भी किया जा चुका है। तो इन दोनों का आखिरकार रिश्ता क्या है, इसी पर सवाल बना हुआ है। मसूद अजहर को छोड़े जाने का मलाल आज भी दिल में है। तो 2009 के बाद बरादर को अमेरिकी एजेंसियों के डर से फरार होना पड़ा था। इस दौरान मसूद अजहर ने उसे पाकिस्तान में शरण दिलाई थी। तो इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा है और काफ़ी पुराना भी है कि एक दूसरे के साथी ये बने थे। सूत्रों का ये भी कहना है कि आतंकी हमलों में आईईडी धमाकों को बढ़ाने में भी बरादर का ही दिमाग था। उसके पीछे जो एजेंडा पूरा तैयार किया जाता था वो भी उसी का था। मसूद अजहर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद हो तो मसूद अजहर कई सारे धमाके भी करा चुका है और काफ़ी सारे जो आतंकी धमाके होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, उनके पीछे भी मसूद अजहर का हाथ माना जाता है। अफगानिस्तान में दूर की कौड़ी बनी पंजशीर घाटी अब तालिबान को खटकने लगी है। यहाँ पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान लड़ाकों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। इसको लेकर पंजशीर नेता अहमद मसूद को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तालिबान का कहना है कि अगर अहमद मसूद की सेनाएं सरेंडर नहीं करती हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। हालांकि अहमद मसूद ने भी ये साफ कर दिया है कि हम सरेंडर करने वालों में से नहीं हैं और हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारे 10,000 से भी ज़्यादा लड़ाके तालिबान से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के आतंकियों को पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ता देख बलगान के देह ए सलाह ज़िले में विद्रोही लड़ाके भी जुटने शुरू हो गए हैं। अशरफ गनी सरकार में रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्ला मोहम्मदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वह पंजशीर की सुरक्षा करते रहेंगे और घाटी में तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ऐसे में बिस्मिल्ला मोहम्मदी को भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहाँ अशरफ वानी
अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे, अमर अब्दुल्ला सालेह भी अब खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और उससे टक्कर लेने के लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सालेह इस समय पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के साथ युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके इरादे साफ हैं कि वे तालिबान को अफगानिस्तान में खदेड़ कर ही दम लेंगे, तो तालिबान से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने सरेंडर करने से तालिबान के सामने मना कर दिया है। तालिबान के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा, उन्होंने साफ कर दिया है, और टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये भी साफ कर दिया गया। तो तालिबान के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है, टक्कर लेने के लिए जुटने लगे हैं अब लड़ाके, तो तैयारी मानी जा रही है, रणनीति बनाना भी अब शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, या यूं कहें कि बद से बदतर होती जा रही है, और लोग किसी भी हालत में देश छोड़ना चाहते हैं। काबुल से लोगों को निकाले जाने के दौरान एक अफगानी महिला ने जर्मनी के रामजस्टिन वायु सैन्य अड्डे की ओर जा रहे अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर विमान में बच्ची को जन्म दिया। बता दें कि अफगानिस्तान से निकाले जा रहे लोगों के लिए रामस्टीन वायु सैन्य अड्डे को एक ट्रांजिट पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएस एयर मोबिलिटी कमांड ने ट्वीट कर ये कहा है कि मिडल ईस्टर्न स्ट्रेंचिंग बेस से जर्मनी के रामस्टीन एयर बेस की उड़ान के दौरान महिला को लेबर पेन शुरू हो गया था। महिला को काफ़ी समस्याएं होने लगी और इसके बाद विमान कमांडर ने विमान में वायु दाब बढ़ाने के लिए ऊंचाइयों को काम करने का फैसला किया, जिससे कि महिला के जीवन को बचाने में मदद मिल सके। जिसके बाद रामस्टीन वायु सैन्य अड्डे पहुंचने पर अमेरिकी चिकित्सा कर्मियों ने विमान में आकर डिलीवरी में मदद की। आपको ये भी बताते चले कि महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। वहीं मोबिलिटी कमांड ने ये भी बताया कि बच्ची और माँ को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है और अब दोनों ही स्वस्थ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो उड़ते विमान में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। तालिबान के हमले के बाद अफगानिस्तान का माहौल हर दिन बद से बदतर होते जा रही हैं। इसी बीच काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सेना और अज्ञात हमलावरों के बीच गोलीबारी भी हुई और खूब इस घटना में एक अफगान सैनिक की मौत भी हो गई है, जबकि 3 लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। घटना की जानकारी जर्मन अधिकारी ने दी है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अमेरिकी और जर्मन सेना उस समय संघर्ष में शामिल जरूर नजर आई जब अफगान गाइड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच फायरिंग हुई थी। जर्मनी की सेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस संघर्ष में एक जवान की मौत बताई जा रही है। जर्मन सेना ने ट्विटर पर बताया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर आज सुबह 4:30 बजे के करीब अफगान गाइड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच में फायरिंग हुई। इसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।